हेलो दोस्तों, यूट्यूब जीवन संजीवनी आयुर्वेदा में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको गिलो पौधे के बारे में बताएंगे जो औषधीय रूप है। दोस्तों, औषधि यह गुणकारी पौधा है। दोस्तों, वैसे तो गिलो के कई नामों से जानी जाती है। गिलो उस समय उत्पन्न हुई जिस समय हमारे देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। उसके अंदर से निकलने वाला जो अमृत था, समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत की कुछ बूंदें दानव और देवताओं के झगड़े के बीच में कुछ बूंदें हमारी कुछ स्थानों पर गिरी थी, जहां गंगा जी के किनारे जो पौधे थे उनको अमृत रस मिलने के कारण, गंगा जी के द्वारा अमृत रस मिलने के कारण कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको अमरता का प्रदान मिल गया। और दोस्तों, वह हमारे मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम में आने लगी। हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करी तो वह हमारे शरीर के लिए बहुत गुणकारी और लाभकारी औषधीय रूप मिली। दोस्तों, उनमें से एक गिलो है जिसको हम अमृता का नाम भी देते हैं। अमृता गिलो का नाम है। दोस्तों, अमृता का मतलब है अमरता का होना। इस पौधे को अमरता का वरदान है। दोस्तों, यदि हम कटे हुए गिलो के एक टुकड़े को कहीं भी धरती पर गाड़ देंगे तो दोस्तों उसके अंदर से पत्ते निकल आएंगे और उसकी बेल अपने आप ही चलने लगेगी। दोस्तों, इसको किसी भी स्थान पर गाड़ने से यह अपने आप ही चलने लगती है और इसके अंदर पत्तों का निर्माण होने लगता है। दोस्तों, यदि हम अपने शरीर के लिए इसके गुण को देखें तो यह बड़ी ही गुणकारी औषधीय है। दोस्तों, जिसके सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर की कई कमजोरियों को दूर करता है। दोस्तों, बुखार के लिए और मलेरिया टाइफाइड के लिए गिलो का सेवन करना सबसे अच्छा माना गया है, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा खोज कर कर के हमारे लिए उन्होंने एक औषधीय पौधे को हमारे लिए बताया है। दोस्तों, यह गिलो जो हमारे शरीर को इतना मजबूत बनाती है, जो दोस्तों बीमारियों को लड़ने के लिए सक्षम है, बीमारियों को दूर करने के लिए सक्षम है। दोस्तों, गिलो के सेवन से हमारे शरीर के अंदर की अंदरूनी कमजोरी भी दूर हो जाती है। और दोस्तों, यदि हम गिलो का सेवन रेगुलर करते रहें तो हमें कभी भी कैंसर जैसी घातक बीमारी नहीं हो सकती। बुखार, जुखाम, खांसी, टाइफाइड, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों से दूर रखेगी। दोस्तों, यह बीमारी ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर को खोखला कर देती है। दोस्तों, गिलो के सेवन से हमारे शरीर के अंदर बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, कैंसर, डायबिटीज़ को ठीक रखती है। दोस्तों, गिलो का सेवन करना बहुत ही गुणकारी है। दोस्तों, गिलो का कैसे सेवन करें? गिलो को दोस्तों हम छोटे छोटे गिलो की बेल को छोटे छोटे पीस करके टुकड़े करके दोस्तों उसको अच्छी तरह से धुल लें। धुल करके दोस्तों हमें इसको किसी भी पत्थर से या किसी भी चीज़ से, हथौड़े से आराम से इसको छेदना है। छेद करके इसको एक गिलास पानी में इसका रस निकाल लेना है और दोस्तों रस रात को आपने रख देना है।
दोस्तों सवेरे रस नीचे बैठ जाएगा, जो इसका मेन पदार्थ है वह नीचे बैठ जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमने पदार्थ गिलास के नीचे बैठा हुआ होगा उसी का सेवन हमने करना है। जो ऊपर वाला पानी है उसको हम फेंक सकते हैं दोस्तों, उसी से हमें हमारे शरीर को लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, जो मैं आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एक वीडियो आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए लाता रहूं और आपका जीवन सुखमय रहे। धन्यवाद दोस्तों।